वेलकम टू लक्की डेवलपर दोस्तों, लक्की डेवलपर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है नदीम अंसारी, आज हम लोग आए हैं वांगनी फेस वन की साइड पे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे काफी काम हो चुका है। यहाँ पे जिन जिन लोगों ने यहाँ पे जो बुकिंग अमाउंट डाला था उनके प्लॉट हमने रेडी कर दिए थे और 30-50% पे जो है उनका काम भी स्टार्ट हो चुका है। तो शाहिद भाई जरा नाम गिना दीजिए इसमें किसके किसके रूम है, पहले 2 BHK से स्टार्ट कीजिए। आइए आसिम भाई। इतनी बारिश के अंदर भी जो है क्या हम लोगों का जो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक काम रुका नहीं सुब भाई, तो काम रुका नहीं और यहाँ पे जो है बारिश के अंदर ही हम लोग ने इसका भराव भी कर दिए थे और यहाँ पे भराव करने के बाद इसका बांधकाम भी चालू हो गया। तो सबसे पहले तो ये 2 BHK का बताइए, अलिफिया आपा का है, कहाँ से? 2 BHK ये अपना बम्बई से है, अलिफिया आपा। अलिफिया आपा तो इनका 2 रूम है, एक 400 स्क्वायर फीट का ये है 1 BHK और एक 2 BHK 440 का। ये मैं बता दूं ये कॉर्नर है 440 का एरिया है और ये कार्पेट एरिया है और ये बाजू जो है ये बाउंड्री आ जाएगी यहाँ पे 4 फीट की, ताकि जो है कोई बाहर का सोसाइटी के अलावा कोई फालतू आदमी यहाँ पे बाहर आए ना जाए ना, इसके लिए हम लोग यहाँ पे 4 फीट पैक करेंगे। ज्यादा बड़ी तो चाली अपनी बनी नहीं है, एक एक रो के अंदर 4-4 रूम ही है, 4-4 रूम ही है, ये बाजू 4 वो बाजू 4 रूम है, बस सुकून से आराम। और यहाँ पे जो है 4 फीट का दीवार आ जाएगा, आप आगे से पर्सनली गेट वगैरह भी लगा सकते हैं। तो ये अल्फिया मैडम का 2 BHK बहुत बहुत मुबारक हो। और ये 2 BHK किसका शाहिद भाई? ये 2 BHK अपना ये सी ब्लॉक के अंदर है, सी ब्लॉक में ना परवेज भाई है, ये अल्फिया आप आइए। ये 2 BHK का है ना? हाँ, असलम भाई अंधेरी से। असलम भाई अंधेरी से, असलम भाई बहुत बहुत मुबारक हो असलम भाई अंधेरी से। तो काफी दिन से वो भी नदीम भाई वेट कर रहे थे काम कब चालू होगा, लेकिन काफी बारिश होने के बावजूद भी फिर भी हमने इतना मैनेज किया। असल में क्या है शाहिद भाई, सुब भाई यहाँ पे अपडेट अपन क्यों नहीं डाल पा रहे थे, क्योंकि अभी मौसम ऐसा बना हुआ था क्या वीडियो बनाने का चांस नहीं मिलता था, मिलता था। और अल्हम्दुलिल्लाह जब अपन आकर के देखे तो यहाँ पे काफी काम हो चुका है। तो यहाँ पे 2 BHK अल्फिया आपा और ये असलम भाई 2 BHK अंधेरी से, इनका भी माशाल्लाह ऐसे कॉर्नर का है। और ये जो 2 BHK का है, फिर उसके बाजू से यहाँ पे जो है 6 फीट का पैसेज, ये पर्सनली हमारे 920 के एरिया के चला जाता है ये। अगर किसी को 3 BHK पर्सनली 920 का चाहिए तो उसको मिल जाता है 3 बेडरूम किचन हॉल और विद बालकनी के साथ में। ये पर्सनल रास्ता जो है 6 फीट का खास उसी के लिए। बड़ा एरिया नदीम भाई अब तक अपने प्लॉट पे बना नहीं है, जैसे किसकी अगर फैमिली यासीन भाई बड़ी है तो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी चीज है। बराबर। और दूसरा कल के ऊपर बनाना है, चारों बाजू की दीवार उसके एकदम ये ना सेपरेट है, और रास्ता भी सेपरेट है, सेपरेट रास्ता है, चारों दीवार सेपरेट है उसकी, कल को डबल बनाना है बना सकता है आराम से 920 920। और दूसरी बात ये है कि अगर किसी को ऐसा चाहिए कि उसके अंदर 2 BHK और 1 BHK का, वो भी मैंने शायद प्लान किया है, प्लान है जोड़ी में, अगर 2 BHK 1 BHK अगर चाहिए तो उसमें 920 में हम लोग बना के देंगे। एक 1 BHK और एक 2 BHK जोड़ी में आएगा और पर्सनल कंपाउंड के साथ में रहेगा। तो ठीक है, अब इसके बाद आ जाइए 1 RK के 2 है, ये अपना बम्बई से अपना ये 1 RK के आ जाते हैं। फिलहाल मीरा रोड में रहते हैं यासीन भाई लोग, और ये अपना भाई बहन दोनों बाजू बाजू में लिया है इन्होंने। अच्छा, जोड़ी में 1 RK लिए, नेक पटेल नाम है इनका, नेक पटेल। बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी, आपके भी जोड़ी के दोनों 1 RK पूरी तरीके से फाइनल होने के लिए तैयारी। अभी जो है समझ लीजिए यहाँ पे 50% तो काम हो चुका, काम हो चुका, बस 50% काम जो है पत्रा चढ़ के प्लस्तर और फ्लोरिंग का काम खत्म होने पे समझ लीजिए 3 महीने के अंदर ये भी काम फाइनल हो जाएगा, ये पूरी चाली। और जिस तरीके से हमने इसका प्लान किया था सी का, सेम उसी तरीके से पूरा प्लान हमने पूरा रेडी किया है। और ये भी 1 RK उन्हीं का है ना, जोड़ी ये दोनों 1 RK जोड़ी में उनका है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग, ये कॉर्नर का 2 BHK का रूम है सईदा आपा, जो सईदा आपा करके है, ये 2 BHK का रूम हाल ही में उन्होंने ले चुका है ये, और अभी आए थे अभी जस्ट गए साइड से वो। ये 1 BHK का बना रहे, 1 BHK के साथ में जो बनेगा इसका बालकनी रहेगा 5 फीट का, यानी 20 फीट के रस्ते पे उनको पर्सनली बालकनी। ये 2 BHK का एरिया नदीम भाई, लेकिन उन्होंने गैलरी के हिसाब से अपना रूम 1 BHK करवाया, बाकी का गैलरी के लिए पैसे छोड़ दिया है, तो काफी बेहतरीन है। देखते देखते तो ये साइड में सी भी खत्म हो गया है, के ऊपर माल कहाँ है नदी भाई ज्यादा। तो बहुत बहुत मुबारक हो, क्या नाम बताया इनका? सईदा आपा। सईदा आपा का बहुत बहुत मुबारक हो आपा, आपको जो है आपका भी रूम का काम इंशाल्लाह कल से ये स्टार्ट हो जाएगा। और यासिन मैं थोड़ा इधर खड़े रही, ये चीज बता देते, ये कौन है अपने परवेज भाई और ये भी अल्फी आपा का है? हाँ, ये अल्फी आपा का, ये बड़ा 1 BHK स्मार्ट, ये स्मार्ट 1 BHK नदीम भाई, 400 का एरिया है। अच्छा, ये बड़ा एरिया है, बड़ा एरिया 400 का, देखो ना काफी कार्पेट है ये बड़ा, मतलब समझ लो 2 BHK के, इसमें 1 BHK स्मार्ट किचन हॉल बड़ा। अच्छा, सबसे बड़ा बोले तो अपने पूरे प्लान के अंदर सबसे बड़ा, सबसे बड़ा 1 BHK ये गया चला गया। हाँ, ये अलीफी आप दो जोड़ी में ले लिए, वो भी उनका कॉर्नर का, हाँ 2 BHK और एक 1 BHK, उसके बाद में ये 1 BHK का परवेज भाई का अपना, ये परवेश भाई कॉर्नर। हाँ हाँ, बता दो, ये परवेश भाई मेरे ऑफिस पे भी आके गए थे। तो परवेश भाई
आप लोगों को बता दूं, ये आपका मेन डोर है और ये बाजू जो एक बेडरूम है, हॉल है बराबर। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका जो है किचन, टॉयलेट बाथरूम, और ये बाजू आ जाता है आपका किचन। तो ये 1 BHK के अंदर 20 फीट के रोड के ऊपर आपका जो है 330 का कार्पेट एरिया के अंदर प्रवेश भाई आपके घर का भी काम शुरू हो चुका है। जैसे कि आपने बताया था कि 2 विंडो अपने को यहाँ पे भी चाहिए, उस तरीके से सारे काम का पूरा प्लान हो चुका है। स्पेस देखिए ना नदीम भाई, 20 फीट भाई, मेरे को लगता है 20 फीट से भी ज्यादा स्पेस दिख रहा है भाई। चालीस में कल काम को अगर यही कारोबार करना है इनको, खिड़की खोल करके आगे चल के दुकान वगैरह करना है तो आराम से, बहुत अच्छी चीज है। तो शायद भाई इसके अंदर कुछ खाली है, ये पीछे का जो है शकुर भाई ने लिया हुआ है सी ब्लॉक के अंदर। ये चला गया, उसका भी अपडेट डाल देते। तो ये इतना बड़ा जो रास्ता आप देख रहे हो, ये पूरा भागे था 20 फीट का रास्ता ये। तो और यहाँ पे जो है आसानी से बड़ी छोटी गाड़ी लोड अनलोड हो जाती है, आपके घर तक आ जाती है। ये जो है 20x30 का एरिया, 600 स्क्वायर फीट, क्या नाम इनका? 10x30 यानी 2 1 BHK इन्होंने बनाया है। मालोनी से मलाड़ मालोनी से शकुर भाई, बुक हो गया ये हो गया, बुक हो गया। तो ये 1 BHK के दो बनाने के लिए, ये 600 का पूरा एरिया था, उन्होंने बोला कि हमको दो बना के दे दो। अच्छा, 10-30 करके 1 BHK के दो रूम इसमें बैठा दी। और ये किसने लिया शाहिद भाई? ये अपना शाहीन आपा है, बैंड्रा से। सब वेस्टर्न लाइन वाले भी माशाल्लाह इधर आते हैं। सलाम खालू। तो ये दोनों चला गया बराबर ना। इसके बाद जो मैं बता रहा था, ये 3 BHK का 920 का एरिया। आइए यासीन भाई, जाओ सुबह सब कोने पे चले जाओ, अपने अपने कोने पे। शिजान भाई आओ। तो ये देखो, ये जो है ये साहिद भाई, यासीन भाई, ये 23x40 का एरिया बनता है, कारपेट एरिया जो बनता है ये 23x40। यानी हमने इसका प्लान भी कर चुका है, जहाँ यूसुफ भाई खड़े वो कोना स्टार्ट होता है, वहां से जो लाइन में है वो लड़का जो खड़ा है 1 2 3। तो ये देखो, ये जो है ये साहिद भाई, यासीन भाई, ये 23x40 का एरिया बनता है, कारपेट एरिया जो बनता है ये 23x40। यानी हमने इसका प्लान भी कर चुका है, जहाँ यूसुफ भाई खड़े वो कोना स्टार्ट होता है, वहां से जो लाइन में है वो लड़का जो खड़ा है 1 2 3 बेडरूम है प्लस मास्टर है। और ये जो शाहिद भाई खड़े है, ये बाजू में जो है ये पूरा बालकनी दिया हुआ है ये बाजू में बराबर। और इसके बाद यहाँ पे हॉल जो शेजान भाई खड़े है, वो बाजू टॉयलेट बाथरूम और किचन है। यानी ये पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे 3 BHK हम लोगों का सी प्लान के अंदर आया है, बाकी ABCD के अंदर ऐसा कोई बड़ा प्लान कोई बड़ा प्लान नहीं है। इसी के अंदर एक बड़ा प्लान आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अगर इसके अंदर आप लोग जोड़ी में 1 BHK और 1 BHK और 2 BHK लेना चाहते हैं, तो वैसा भी मैं करके दे सकता हूँ। इसमें 2 BHK बनेगा और ये बाजू में 1 BHK बनेगा। कम से कम वो 1.25 घंटे की जगह चले जा रही है, काम मिलता है इतना बड़ा प्लॉट। ये पूरा सेपरेट है, ये चारों बाजू आप देखोगे ना, ये पूरा सेपरेट कंपाउंड है, ये किसी का दीवार टच नहीं है, सेपरेट कंपाउंड है। सेपरेट कंपाउंड के अंदर ये वेंटिलेशन भी चारों बाजू से वेंटिलेशन है। अच्छा शायद भी अगर ये कोई जोड़ी में लेना चाहता है तो जोड़ी में भी मिल जाएगा ना, 1.5 BHK 450 450 ऐसा। इसका जो पर्सनल रास्ता है, जैसे कि मैंने पहले बताया आप लोगों को, ये पूरा 6 फीट का रास्ता इधर से आ रहा है। यासीन भाई खड़े रहो साइड में, जॉइंट हो जाएगा पुणे पे। ये जो है ये वो गल्ली से ये 6 फीट का रास्ता डायरेक्ट जो है पर्सनली इसको आ रहा है, और यहाँ पे जो है एक सेफ्टी गेट लग जाएगा। इसके बाद ये पूरा कंपाउंड जो है एक ही पार्टी को हम लोग दे देंगे। प्लान हमारे पास रेडी है, अगर किसी को प्लान चाहिए तो प्लान भी हम भेज देंगे। हाँ, इसका अगर प्लान चाहिए तो प्लान रेडी अपने पास, प्लान भी मिल जाता है। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए हमारे यासीन भाई, शाहिद भाई के नंबर पे कॉल कीजिए। हमारे शाहिद भाई का नंबर, शाहिद भाई नंबर बताइए, नंबर नोट कर लीजिए 7045465135। मैं यासीन भाई का नंबर बताता हूँ 7745600358। यासीन भाई, शाहिद भाई का नंबर है। हमारे शेजान भाई, सुल्तान भाई, यूसुफ भाई, आप लोग साइड पे आते हो तो ये अपने को हमेशा 7 दिन के अंदर आप लोगों को हमेशा एनी टाइम मिलेंगे। तो फेस 1 तो आप देख लिया, फेस 2 भी हम लोग आप लोगों को जल्द से जल्द इसका अपडेट डालेंगे। इसमें नदीम भाई ज्यादा मेरे ख्याल से इक्का दुक्का जो चीज थी वो आज भी काफी कस्टमर आए। अभी भी कुछ बचा है क्या? इसमें एक 1 RK है और एक 1 BHK निकला है, लेकिन अभी आज जो कस्टमर विजिट किए तो उनका कल मतलब एक जवाब आ जाएगा। कुछ भी नहीं, अभी रेडी में नहीं है कुछ भी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो शाहिद भाई, बहुत फास्ट फीलिंग कर दिया आपने यार। ऊपर वाले की मेहरबानी भाई, अपनी क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह शाहिद भाई ने लंबी टिकट भी मार लिया। चलो मुबारक हो, फास्ट बुकिंग के हम फास्ट बनाएंगे इंशाल्लाह। चलो सबकी मेहनत है, ये मेहनत सबकी है, ज्यादातर अपने स्टाफ की भी मेहनत है भाई, बहुत से माशाल्लाह लोग ने काफी कोऑपरेट किया है। और इतना बारिश के अंदर होने के बाद भी आप इतना स्ट्रक्चर खड़ा दिख रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सबको पानी की भी जरूरत है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है देख रहा हूँ मैं, एक एक ईंट एकदम तरी से भीगी हुई है यार, बराबर पूरा पक्का काम चल रहा है। तो अभी जो है इसके बाद हम लोग जो देंगे अपने को सी का तो अपडेट हो गया, ई और डी का देंगे आने वाले वक्त में, जैसा मौसम सूखेगा। ई ब्लॉक का बहुत तेजी से काम स्टार्ट होकर के फाउंडेशन हो जाएगा,
उसका भराव करके जब तक इसका बांधकाम चलते रहेगा उसका फाउंडेशन चालू होगा। तो बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पे लक्की डेवलपर नदीम अंसारी के साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं फेस वन के साथ साथ में आप लोगों को फेस टू का भी अपडेट दे देता हूँ। ये रहा वांगनी स्टेशन, जो कि सबसे आगे का ब्रिज है। ये ब्रिज से आपको बाहर निकलना है और ये बाजू में देखिए गाड़ी जा रही है। ये 15 फीट का जो है ग्राम पंचायत रोड है, पूरा आरसीसी का। ये रास्ते से आपको कंटिन्यू आना है। आप जैसा ब्रिज से बाहर निकलते हो और ये अपनी पूरी साइड है। देखिए दोस्तों, ये एक एकड़ की पूरी साइड है, जो कि यहाँ पे जो हमने गार्डन रूम बनाया है, जैसा आप लोग आगे ये दरवाज़ा देख रहे हो, इसी तरीके से जो है इसका दरवाज़ा जो है पीछे साइड में भी है। और पीछे साइड में हमने जो 200 स्क्वायर फीट का जो है 10x20 का एक ओपन स्पेस भी दिया है, जो कि आपको गार्डनिंग के लिए, उठने बैठने के लिए पेड़ पौधे लगा सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो 7 फीट का पैसेज भी दिया हमने घर के सामने, और घर के वो बाजू में 20 फीट का आपको ओपन स्पेस भी दिया है। और ये जो है ए ब्लॉक, ये सॉरी ए चॉल, बी चॉल, और देखिए ये ए चॉल है, ये बी चॉल, सी चॉल और डी चॉल। ये डी चॉल तक का जो है फाउंडेशन पूरा हो चुका है, जिसका पार्टीशन होकर के बांधकाम स्टार्ट होने वाला है। और जैसे कि आप देख रहे हो, थोड़ा मैं जूम करता हूँ तो काफ़ी दूर तक ये साइड देखिए, कुछ लोग वहाँ पे खड़े हैं। और ये जो है आगे भी जो है पूरा एक एकड़ तक के ये पूरा मेन रोड को टच हो गई है साइड, ठीक है। और काफ़ी बड़ी साइड है, इसको जो है चारों बाजू से जो है पूरा कंपाउंड है। आप देख रहे हो ये पूरा जो है पूरा वॉल कंपाउंड लिया हुआ है चौल को, बिल्कुल स्टेशन से नज़दीक है ये। अगर किसी को बुक करना है तो बुकिंग अमाउंट इसमें 5,000 रुपया है। डाउन पेमेंट 30%, 50% पे पोजीशन, बाकी 50% के लिए आपको टाइम मिलेगा। बता दूँ 1 आर के 6 लाख, 1 BHK 9 लाख और 2 BHK जो है यहाँ पे 12 लाख रुपये तक का आपको मिल जाता है, बिल्कुल स्टेशन के करीब में। देखिए सामने से कार जा रही है। अगर किसी को दुकान प्लस मकान अगर मांगता है तो उस रोड के ऊपर आपको दुकान प्लस मकान मिल जाता है। दुकान प्लस मकान के लिए आप कॉल कीजिए, ठीक है। तो फेस वन और फेस टू का मैं आप लोगों को अपडेट दे दिया। जल्द से जल्द कॉल कीजिए आप लोग, शाहिद भाई के नंबर पे कीजिए, मेरे नंबर पे कीजिए, ठीक है। ये देखिए काफ़ी बड़ी साइड थी, इसके अंदर जो है वो नर्सरी लगी हुई थी। नर्सरी के झाड़ पेड़ पौधे जो थे वो लगे हुए थे, अभी वो नर्सरी यहाँ से हट चुकी है, ओके। तो कॉल कीजिए, बुक कीजिए, बिल्कुल जो है स्टेशन आप लोगों को फिर से मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये रहा सामने स्टेशन। आप ब्रिज पर भी खड़े रहोगे तो सामने आपको आपका घर दिखेगा। इससे अच्छी साइड दोस्तों कभी आने वाली भी नहीं है मेरे ख्याल से, इतनी बड़ी साइड मिलने वाली भी नहीं है। तो आप लोग कोशिश कीजिए जल्द से जल्द बुकिंग करके, 5,000 से सिर्फ बुकिंग करके अपने घर की शुरुआत कीजिए। ये देखिए पूरा ये चौल को जो है पूरा के पूरा कंपाउंड है। आप देख रहे हो वो बाजू से, तो आप देख रहे हो 15 फीट का पूरा जो है इंटीरियर रास्ता दिया हुआ है, और ये बाजू से देख रहा पूरा कंपाउंड है, पूरी सोसाइटी को कंपाउंड है। कंपाउंड के अंदर पूरी सेपरेट सोसाइटी बन रही है। तो लक्की हाउसिंग फेज टू, बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पर। ओके।